हेलो एंड वेलकम, स्वागत है सभी का। मैं हूँ रवि और आप देख रहे हैं रवि के ट्यूब। भाई आज आपके एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। जैसे कि आप ऊपर थंबनेल में देख ही चुके हैं कि क्या भाई आपका भी फोन हैक करता है, फंस जाता है, तो चलिए इसी के ऊपर आज हम लोग चर्चा। देखिए भाई, सबसे पहले होता क्या है ना कि आप लोग देखते हो कि थोड़ा सा भी स्टोरेज खाली है तो भैया चल दबा के दो चार फिल्म और ठूंस देते हैं। स्टोरेज मतलब थोड़ा सा भी खाली नहीं रहना चाहिए। तो भैया यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपके स्टोरेज यदि 16 GB है तो 15 GB तक तो पहुंचा ही देना है एकदम। यदि 32 GB है तो भाई एकदम 28-25 तक पहुंचा ही देना। हालांकि 32 जिसका रहता है तो उसका तो देता 28 तक है, 29 तक है, लेकिन वहां के आसपास तक पूरा उसको रेड कर देना है तभी जाके छोड़ना है। तो भैया सबसे बड़ी गलती यहीं पे होती है। कभी भी फोन के स्टोरेज को जो है पूरा भर के नहीं रखना चाहिए, खाली रखना चाहिए। उसके बाद आप अपने फोन में कुछ ऐसे आलतू फालतू एप्स जो कि आप इंस्टॉल कर रखा है, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी के मतलब होते हैं, ज्यादा MB जिसको कह लीजिए उसका होता है, तो वो आपके फोन को जो है हैक करते हैं। तो चलिए हम अपने फोन में आपको बताते हैं कि आप अपने स्टोरेज को, सबसे पहले तो आप कम से कम डाटा को अपने फोन स्टोरेज में रखें। हो सके तो आप बाहर से एक SD कार्ड इंसर्ट कर ले, उसमें कुछ रखे, उसको भी फुल करके ना रखे, उसमें भी कुछ स्पेस रहने दे। उसके बाद इंटरनल जो आपके फोन में देता है स्पेस, उसको भी थोड़ा सा खाली रखे प्लीज। उसमें वीडियो और ये फिल्म वगैरह ठूस ठांस के नहीं रखे। अब तो ऑनलाइन का जमाना है भाई, कौन रखता है, तो आपका फोन नहीं हैक करेगा। उसके बाद जो भी ऐप है उसके ऊपर आप कैसे कर सकते हैं, तो चलिए सबसे पहले आपको सेटिंग ऑप्शन में जाना होगा, तो मैं अपने फोन से आपको करके दिखाता हूँ। उसके बाद भाई आपका फोन जो है बिल्कुल हैक नहीं। अगर बात करें तो आपको अपने फोन में यहाँ सेटिंग्स ऑप्शन जो होता है मेनू, उसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आना है और उसके बाद में यहाँ पे आपको स्टोरेज दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि ये थोड़ा सा हाईलाइटेड है। यहाँ पे स्टोरेज पे आप क्लिक करें और यहाँ से जो है पूरे आप अपने डाटा का जो है, आपके स्टोरेज का डाटा जो रिकवरी है पूरा आपको बताएगा कि आप कितना GB यूज करते हैं। तो जैसे कि आपका यहाँ देख सकते हैं ऐप्स एंड डाटा जो है 5.34 GB जो है यूज हो रहा है। यहाँ पिक्चर की बात करें, पिक्चर एंड वीडियोज़, तो यहाँ 5.34 GB यूज हो रहा है। तो यहाँ पे ये सब हो रहा है। सिस्टम स्टोरेज की बात ये हो गई। यहाँ पे बात की जाए आपको इंटरनल स्टोरेज जो कि SD कार्ड यहाँ पे लगा हुआ है उसकी, तो यहाँ पे टोटल 16 GB का लगा हुआ है एक अलग से मेरे फ़ोन में, जो कि अभी अवेलेबल इसमें 13 GB यानी कि 3 GB मैं यूज कर रहा हूँ। अगर अपने फ़ोन के स्टोरेज में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप बैक आएँ और यहाँ से जो है आप सबसे पहले आप अपने सिस्टम ऐप्स के नीचे यहाँ पे देखेंगे इंस्टॉल्ड मतलब कि ऐप्स है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे पूरा डाटा आपको मिल जाएगा। तो यहाँ जो है आपका MB देखेंगे आप ध्यान से, तो जैसे मैं फेसबुक का ही ले लूँ तो फेसबुक है 38 MB का, जो कि अभी यहाँ रनिंग कर रहा है। यहाँ रनिंग एक छोटा सा होगा, ये वॉच का मतलब घड़ी का सिंबल करके 258 MB है, जैसे कि आप देख रहे हैं फेसबुक के यहाँ ऊपर। तो ये जो है 258 MB, ये हमारे मतलब अभी तक जो भी इस पर एक्टिविटी किए हुए हैं आप, उसमें ये खर्च हुआ है। तो ये है यहाँ पे, जैसे आप इंस्टाग्राम देख सकते हैं तो वहाँ पे भी 101 MB है, और भी सारे हैं एप्लीकेशन जिस पे मैं वर्क करके इतना तक कर सक किया हुआ। तो मैं आपको बताता हूँ दैनिक जागरण का, यहाँ पे क्लिक कर लिया 38 है। यहाँ पे नीचे जो है यहाँ देख सकते हैं क्लियर डाटा, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको कुछ मांगेगा क्लियर ऑल डाटा क्लियर चैचेस, तो यहाँ पे क्लियर डाटा पे क्लिक करके और कंफर्म कर देंगे तो यहाँ पे 36.766 स्टोरेज जो है यहाँ पे लग रहा है। तो ये आप क्लियर कर सकते हैं, इसी प्रकार सब ऐप का जो है आप कर सकते हैं क्लियर। उसके बाद में यहाँ वीवो वीडियो है 197 है, इसको भी अगर क्लियर करते हैं तो यहाँ से तो यहाँ क्लियर ऑल डाटा पे करेंगे तो, अगर मैं क्रोम की बात करूँ तो 107 है, इसको अगर हम क्लियर करते हैं तो यहाँ पे मैनेज का ऑप्शन दे रहा है, हालांकि इसमें क्लियर ऑल डाटा का यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, तो आप क्लियर कर दिए। देखिए यहाँ पे स्टोरेज 000 हो गया, यानी कि आपका ये फ़ोन जो है यहाँ पे खाली हो गया। देखिए यहाँ पे 000 बिट हो गया। तो आप इसी तरह से आप अपने भी फ़ोन का जो है
कर सकते हैं। यहाँ पे है जो कॉलरिंग ब्लॉक जो है, इसको हम बुक जो है फॉर मी, इसका भी हम क्लियर करके देख लेते हैं। जैसे 111 MB है तो इसको क्लियर करेंगे तो देखिए 90 MB हो गया। तो इसी तरह आपके फ़ोन का स्टोरेज जो है फालतू एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के कारण हो जाता है। तो देखा आपने, ये रहा, ऐसे ही आप अब ट्राई कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, हो सके तो कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मैं इस चैनल पर लाने का प्रयास करते रहता हूँ। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए